नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बीते शुक्रवार को दिल्ली के बवाना इलाके में राजीव रत्न आवास योजना के फ्लैट्स गिरने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिजनों ने प्रशासन को हादसे के लिए जिम्मेदार बताया। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि सरकारी विभाग की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। सभी फ्लैट सालों से बनकर जर्जर हो चुके थे, जिसके चलते बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसमें एक बच्ची और महिला और दो युवकों समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। लोग तो वहाँ पे काफ़ी थे जो बकरी चराने के लिए गए हुए थे। वो बिल्डिंग किसी कारण से इस वजह से गिरी क्योंकि वहाँ पे खाली थी। अगर वो वहाँ पे अगर बनी हुई होती, अगर अलाउड किया गया होता तो वो बिल्डिंग नहीं गिर रही होती। चोर लोग जाएंगे जब ऐसी बिल्डिंगें खाली पड़ी रहेगी, और वहाँ पे बकरी चराने वाले भी और लोग गए हुए थे, जिस कारण वो बिल्डिंग जब गिरी थी तो वहाँ पे बकरी भी थी और कम से कम 8-10 लोग थे, जिसमें से 6 लोग की मौत हो चुकी है, जिसमें एक हमारी भतीजी थी। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा, उसको निकाला है। बहुत दर्द हुआ था हमें भी उस समय जब देखा गया था उसको। मैं गाँव से आया, ये लड़का अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया बकरी चराने के लिए। अच्छा, अब जब मैं गांव से आया तो मुझे ये मालूम हुआ कि वहाँ पे एक बिल्डिंग गिरी है, उसके नीचे दबे पड़े हैं। अच्छा, मैं भी वहाँ पे पहुँचा, आखिर में जाकर मेरे लड़के की है। ये जो हमारी मामी थी वो भी उनकी नीचे दबी थी। ये भारत रत्न आवास जो है, ये एक बिल्डिंग नहीं है सर, ये कई बिल्डिंग है। ये काफ़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ पे खड़ी हुई है। उनका सर कुछ भी नहीं हो रहा है, और वही बिल्डिंग जो गिरी है वहाँ पे, ना ये कंपनी वंपनी कुछ नहीं है। हमें क्या पता सर कौन ठेकेदार कौन नहीं है, गवर्नमेंट का कोई आदमी नहीं आया वहाँ पे, कोई कुछ भी कोई नहीं। बस वहाँ पे हुआ, वहाँ से बात फूट गया, हॉस्पिटल वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। सारे चारों के चारों डेड बॉडी जिनके भी परिजन है सब यहाँ पे मौजूद है सर। हम लोग किसी से पूछ लो, कोई भी यही है कि कोई भी मदद नहीं है प्रशासन की तरफ से। क्या प्रशासन नहीं है, बाकी हमारे कॉलोनी के एक दो आदमी हैं, जैसे आलम है, कलीम भाई वगैरह है, उन लोगों से बातचीत हुई है। तो वो लोग वहाँ पर कुछ कर रहे हैं अपना, जो भी होगा वो लोग का कहना है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जो कॉलोनी के आदमी हैं वो लोग हैं। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपट टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, डेली हंट, रॉक टीवी, एमएक्स प्लेयर, i2i, ईबाबा, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, आईपीटीवी गैलेक्सी, फास्ट अवे, IPTV और RockQ TV पर।